हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बायोरूट्स में। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेंडल के जेनेटिक्स लॉ के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था मेंडल के डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो विद दिस होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडी, आओ अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखो, अगर हम मेंडल के लॉ की बात करें तो मेंडल ने दो लॉ प्रोवाइड किए हैं। जो मेंडल का फर्स्ट लॉ है वो कहलाता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और दूसरा लॉ कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉसमेंट। तो पहले इसकी बात करते हैं, देन उसकी बात करेंगे। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में इसे दोनों ही नाम से रेफर किया जाता है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिसर्च के एग्जामिनेशन के बाद दिया था। उन्होंने अपने रिसर्च को अच्छे से देखा और समझा और फिर कंक्लूजन निकाले, और कंक्लूजन्स के बेस पे उन्होंने कुछ बातें कहीं जो आज हम लॉ के रूप में पढ़ते हैं। इसके अंदर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में मेंडल ने दो अलग अलग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं, दो अलग अलग बातें बोली हैं। तो जो पहली बात कही है उसे हमने मेंडल का इनहेरिटेंस का पहला नियम बोल दिया, जिसे आज हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से पढ़ेंगे। और जो उनकी दूसरी बात है उसे मेंडल का हमने सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोल दिया, जिसे आज हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से पढ़ेंगे। क्या कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस? तो इसके अंदर तीन पॉइंट्स हैं मेजर। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट मींस अलग यूनिट फैक्टर्स। यहाँ पे मेंडल इस लाइन में ये कह रहे हैं कि कोई भी बॉडी का जो एक कैरेक्टर होता है, जैसे कि हम प्लांट का हमने रिसर्च देखा था, उसमें प्लांट की हाइट टॉल थी या ड्वार्फ्ट थी, बट कैरेक्टर की बात की जाए तो उसका कैरेक्टर था हाइट। तो हाइट जो है वो एक पीढ़ी से, पेरेंट वाली जनरेशन से न्यू इंडिविजुअल्स की जो F1 जनरेशन थी वहाँ तक ट्रांसफ़र हुआ था। यानी कि कुछ ऐसा मटेरियल है जो पेरेंट्स में से निकल करके आगे चिल्ड्रंस में गया है। वो जो मटेरियल है मेंडल उसको नहीं जानते थे कि वो मटेरियल कौन है। तो मेंडल ने यही बात अपने फर्स्ट पॉइंट में लॉ ऑफ डोमिनेंस के वक्त में कही कि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं जो एक नई पीढ़ी के अंदर आते हैं, ये कैरेक्टर्स वो खुद नहीं बनाते, बल्कि इनको अपनी पीछे वाली या अपनी पूर्वज वाली पीढ़ी से मिले हैं, और वो चीज़ जो आगे ट्रांसफ़र होती है हमें नहीं पता। उस वक्त तक मेंडल को नहीं पता था, तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता कि वो चीज़ क्या है, इसीलिए उन्होंने इसे क्या नाम दिया, फैक्टर। और जैसा कि आप सभी जानते हो आज उस चीज़ का नाम क्या है, DNA। नाउ शुरू करें सेकंड पॉइंट को। तो सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जो फैक्टर है जो किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, दरअसल है वो DNA का ही सेगमेंट। हमने पढ़ा था कि जीन इज नथिंग बट द सेगमेंट ऑफ द DNA। तो जो सेगमेंट ऑफ DNA है, एक ही कैरेक्टर के लिए कम से कम दो सेगमेंट ऑफ DNA आपके पास होंगे। ये मेंडल ने सेकंड पॉइंट में कहा कि जो जीन है या जो फैक्टर, जो वो नहीं कह जानते थे कि वो क्या है, तो उस वक्त उन्होंने उसे फैक्टर बोलते हुए कहा कि जो फैक्टर है वो पेयर्स में अकर करते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट में मेंडल कहते हैं कि ये जो दो हैं, अगर ये दोनों एक जैसे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि कैपिटल टी या स्मॉल टी। तो मेंडल कहते हैं अगर ये दोनों एक जैसे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये एक जैसे नहीं, यानी जब ये होमोजाइगस कंडीशन में नहीं है बल्कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, यानी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, जब इस कंडीशन में ये होंगे तो इनमें से कोई एक जो जीन है वो अपने आप को आगे वाली पीढ़ी में एक्सप्रेस करेगा, और उसके इस एक्सप्रेस करने को हम बोलेंगे डोमिनेंसी या डोमिनेट्स। तो जो कैरेक्टर या जो जीन आगे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, अब इन दोनों में आप सोचो कैपिटल टी स्मॉल टी में कौन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो जवाब होगा कैपिटल टी। तो इसका मतलब स्मॉल टी यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, मेंडल कहते हैं उस जीन को हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट वन। और जो अपने आप को नहीं कर पाएगा, विच डू नॉट, जो नहीं कर पाएगा, उसे हम बोलेंगे द रिसेसिव वन। ये है मेंडल के फर्स्ट सेट्स ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का पहला लॉ, जिसमें वो कहते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। नाउ अब बात करते हैं सेकंड लॉ की। तो सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन शब्द का मतलब होता है अलग हो जाना, बट जाना,
टूट जाना या बिखर जाना, इस तरह के मतलब देता है आपको सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ये कहते हैं, अपनी इस फर्स्ट वाली बात को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने फर्स्ट बात में जो अपनी फर्स्ट लॉ था उसमें ये कहा था कि कैरेक्टर जो हैं वो पेयर में अकर करते हैं एक इंडिविजुअल में। तो अगर एक हाइट का कैरेक्टर है पेयर में अकर कर रहा है कैपिटल टी और स्मॉल टी में, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है जब ये रिप्रोडक्शन करेगा, यानी जब इसे गैमीट बनाने होंगे रिप्रोडक्शन के लिए, तब ये दोनों जीन अलग अलग हो जाएंगे। मेंडल इसे फैक्टर के नाम से कंसीडर करते रहे हैं। तो मेंडल यही कह रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि जो आपका पेयर ऑफ जीन है या पेयर ऑफ फैक्टर है वो गैमिटोजेनेसिस के दौरान, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमिटोजेनेसिस के दौरान अलग अलग हो जाते हैं। दोनों अलग अलग गैमिट में जाएंगे, एक गैमिट में दोनों नहीं जाएंगे। और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल जो सेल डिविजन है उसका नाम है मियोसिस। हम जानते हैं मियोसिस में सेल्स की संख्या हैप्लॉइड हो जाती है डिप्लॉइड से। तो यहाँ पे वो यही कहना चाह रहे हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म वो इसीलिए डिप्लॉइड है क्योंकि जीन उसके साथ में, जीन जो है उसके पास में एक कैरेक्टर के लिए वो दो हैं, और जैसे ही उसे रिप्रोडक्शन करना है, जैसे ही उसे गैमीट बनाने हैं, उसका वो डिप्लॉइड नेचर खत्म हो जाएगा, बल्कि अब उसके गैमीट अपने आप को हाफ कर लेंगे डीएनए के कंस्टिट्यूएंट में, और कैसा नेचर बन जाएगा उनका, हैप्लॉइड। और जो सेल डिवीजन है वो कौन सी है, मियोसिस। नाउ अगर ये दोनों लॉ समझ आ चुके हैं तो फर्स्ट लॉ आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है जो कि है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ मेंडल ने अपना डाईहाइब्रिड क्रॉस भी किया, डाईहाइब्रिड क्रॉस को करने के बाद में उसको भी रिसर्च करा, और फिर हमारे को दूसरा लॉ दिया जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉसमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉसमेंट की बात करें तो ये लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी भी फैक्टर की बात करो, जो मेंडल फैक्टर कहते थे आज हम उसे जीन के रूप में जानते हैं, तो फैक्टर या जीन आप कोई सा भी एक शब्द ले सकते हो। तो ये लॉ आपको ये कहता है कि फैक्टर या जीन जो है वो अलग अलग जब होंगे, जो हमने सेग्रीगेशन में पढ़ा कि पहले जो टी और टी हैं वो अलग हो जाएंगे, हमने ये पढ़ा सेग्रीगेशन में। मान लेते हैं दो गैमिट बने हैं ए और बी, सेकंड लॉ यही कहता है कि ए और बी में ये बट जाएंगे। सेकंड लॉ जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असेसमेंट है ये कह रहा है कि जब ये बटेंगे तो बटते वक्त कौन सा टी कौन से गैमिट में जाएगा ये पहले से तय नहीं होता। दिस इज नॉट डिफिनाइट, ये कैसा है, अनिश्चित चीज है। ये वाला कैपिटल टी इस बी में भी जा सकता था, इस ए में भी आ सकता था, वो इसमें गया, ये सिर्फ एक चांस है, एक लक की बात है। तो यहीं यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट का कह रहा है कि इंडिपेंडेंट शब्द से समझो, इंडिपेंडेंट का मतलब है स्वतंत्र। जब कोई काम अपनी मर्जी से हो, आपके अनुसार हो, जिसमें किसी और तीसरे का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो ऐसा वर्क आपका इंडिपेंडेंट वर्क होगा, यानी कि स्वतंत्र कार्य होगा। तो यहाँ पर ये टी किस में जाएगा, इस ए वाले में या इस बी वाले में, ये कोई तीसरा इसको नहीं बताएगा, ये इंडिपेंडेंट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होगा। इसीलिए इस लॉ का नाम क्या बोला गया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉसमेंट। बस ये केवल तीन नियम हैं, जिनमें से नियम तो दो ही हैं, बस एक फर्स्ट के दो पार्ट्स हैं और दूसरे वाले का केवल एक ही पार्ट है। तो एक बार क्विक रिवीजन रख लेते हैं। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के दो नियम हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको ये कहता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा पेरेंट से, जो फ्यूचर बॉडी में यानी F1 जनरेशन में आएगा, वो हमेशा पेरेंट से गुण लेकर के आता है अगली वाली पीढ़ी में देने के लिए। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि वो जो पेयर में वो जो गुण आया है, जेनेटिक मटेरियल आया है, वो जेनेटिक मटेरियल दरअसल एक ही गुण के लिए कम से कम दो दो फैक्टर लाया होगा, पेयर के अंदर जीन लेकर के आएगा। और थर्ड वाला ये कहता है उन दोनों में से अगर वो दोनों अलग अलग हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, यानी एक बड़ा है एक छोटा है, दो अलग अलग तरह के जीन हैं, तो उनमें से एक जीन ऐसा होगा जो अपने आप को एक्सप्रेस करने में ज़्यादा सक्षम होगा, और दूसरा जीन होगा जो अपने आप को एक्सप्रेस करने में सक्षम कम होगा या नहीं होगा। तो इस तरह का जीन जो पेयर बनता है वो एक होगा डोमिनेंट जो एक्सप्रेस कर पाएगा, और जो नहीं कर रहा है वो है रिसेसिव।
सेग्रीगेशन में ये बात कहते हैं कि जब ये इंडिविजुअल टू एन डिप्लॉयड इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो इसको गैमीट फॉर्मेशन करना है और गैमीट के लिए मियोसिस होती है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब कभी भी रिप्रोडक्शन करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म गैमीट बनाएगा तो उसकी बॉडी में जो एक कैरेक्टर को फॉलो करने वाले दो जीन हैं वो दोनों बट जाएंगे, अलग अलग गैमीट में चले जाएंगे। ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ आते हैं अपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉसमेंट पे। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉसमेंट ये कह रहा है जो दो जीन बटे थे कौन सा वाला जीन कौन से वाले गैमीट में जाएगा ये चीज़ तय नहीं होती, ये इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होती है, अपने आप होती है, इसके अंदर किसी भी तीसरी पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं होता है। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके आगे वाले लेक्चर्स में हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल जीन्स वगैरह की बात भी हम करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे दी गई ईमेल आईडी पर आप मेल बॉक्स में मुझे मेल करें अपना डाउट, मैं डायरेक्टली आपको आपकी ईमेल आईडी पर ही जवाब दे दूंगा और आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। फ्यूचर लेक्चर के अर्ली नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम के चैनल का लिंक मिल जाएगा और जो भी हमारे लेक्चर्स होते हैं उनके पीडीएफ नोट्स भी उसके अंदर प्रोवाइड हो जाएंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।